हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस कैरियर पर 2.0। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सी पार्ट, यानी कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको प्रेजेंट का कंटिन्यूस का अफर्मेटिव और नेगेटिव अच्छे से समझा दिया है, उसको बार बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज हम प्रेजेंट मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझेंगे। थोड़ा ये बात ध्यान रखना, प्रेजेंट जो टेंस होता है उसका हेल्पिंग वर्ब बीइंग वर्ब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब बीइंग वर्ब अच्छे से पता है तो कोई भी टेंस आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको बार बार बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इनको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे ध्यान रखिएगा। तो अगर फर्स्ट रूल होता है क्या पहले दिया है, तो क्या पहले दिया है तो इसको हम यस या नो टाइप भी कहते हैं, यस या नो टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि हमें इस टाइप के सेंटेंस का आंसर यस या नो में देना होता है। क्योंकि इसमें क्या है, क्या पहले दे रखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर हमें यस या नो में देना होता है। जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है, जैसे कि क्या आप खाना खा रहे, क्या आप बुक पढ़ रहे, क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे, क्या आप उत्तरा जा रहे, तो इसका आंसर हमें यस या नो में ही देना होगा, ठीक है। तो यस या नो टाइप का अगर ये दे रखा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, यानी कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है तो इज एम आर को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, ठीक है। इज एम आर को आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद अगर आपका नॉट दे रखा है तो नॉट लगाना है, बी फर्स्ट आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आपको लगाना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये ध्यान रखना आई एन जी फॉर्म आपको यूज करना है, और क्योंकि आपको कंटिन्यूस है, मैंने आपको पहले भी बताया था जहां आपका कंटिन्यूस फॉर्म हो वहां आपको आई एन जी फॉर्म यूज करना है, ठीक है ना। यानी कि आपको इज एम आर सब्जेक्ट नॉट दे रखकर टू नॉट, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आपको यूज करना है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आपको जैसे कि यू के लिए आपको क्या यूज करना है, आप, उसके लिए आपको यू, उसके बाद पढ़ रहे हो आर यू रीडिंग इंग्लिश, आर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे मथुरा जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू मथुरा, क्या तुम सत्य बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है, तो यहां पे आपको इसका यूज करना है, इज सी कुकिंग द फूड। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव वाला दे रखा है, जैसे कि क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, तो इसके लिए आपको आर यू, यहां पे आपको नॉट लगा देना, आर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस का आंसर हमें यस या नो में देना होता है, जैसे कि आर यू
प्लेन टिकट? नो आई एम नॉट प्लेन टिकट, ठीक है, आई एम रीडिंग इंग्लिश. आर दे गोइंग टू मथुरा? तो आर दे गोइंग टू मथुरा, अगर मथुरा जा रहे हैं तो बोलना यस दे आर गोइंग टू मथुरा. अगर वे खाना बना रही है, यस सी इज कुकिंग द फूड. अगर जैसे कि आर यू रीडिंग इंग्लिश, यस आई एम रीडिंग इंग्लिश. अगर मैं नहीं पढ़ रहा तो नो आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश. आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ? यस आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई. ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस के साथ बार बार प्रैक्टिस करिएगा. ये आपका क्या पहले दिया है तो उसका रूल है, ध्यान रखना. अब मैं आपको सेकंड टाइप भी इसका बता देता हूँ. सेकंड टाइप बस यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से देख लीजिएगा. अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा कि असल आपको ये इम्प्रूवमेंट करना है तो मैं उसी तरीके से आपको बताऊँ. वैसे आपको ये टेंस आप एक बार पढ़ लेंगे तो कभी भी आपको दोबारा से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा है. ठीक है, तो एक टाइप और बता देता हूँ आपको, फिर जो नेक्स्ट तो पार्ट हम लेके आएंगे वीडियो में आपको पूरा टेंस क्लियर बता दें. ठीक है, तो जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल देख लो, बस थोड़ा ही डिफरेंट है. सेकंड रूल में क्या है, WH वर्ड दिया होता है, जैसे कि क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, बीच में दे रखा होता है. क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, बीच में दिए है, क्योंकि बीच में दिए है तो आपको ये इनकी इंग्लिश जो होती है WH वर्ड को आपको सबसे पहले लिख देना है. ठीक है, वहां पर क्या पहले दे रखा है तो आपको इंग्लिश वर्ड नहीं लिखनी है, बाकी पूरा सेम है. बस यहाँ पे WH वर्ड को आप पहले लिख देना, बाकी पूरा सेम है. उसके बाद आपको एग्जाम लगाना है, प्लस सब्जेक्ट लगाना है, नॉट दे रखा है तो नॉट, प्लस बी फर्स्ट, आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और क्वेश्चन. जैसे कि तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हो, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हो, तो यहां पे भी आप ध्यान रखिएगा क्यों दे रखा है, तो इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखना है वाई, फिर उसके बाद आपको इस जमाने में से आपको यू के साथ आर यूज करना है. Why are you reading English? Why are you reading English? तो इस टाइप का आप यूज करिएगा. ठीक है, Why are you reading English? क्वेश्चन मार्क. तुम मतलब क्यों जा रहे हो, Why are you going to Mathura? वह कहां जा रहा है, तो वेयर इज ही गोइंग. इस टाइप के सेंटेंस आप बनाने की प्रैक्टिस करिएगा, बार बार बोलने की प्रैक्टिस करिएगा. कुछ भी टफ नहीं है, ध्यान रखिएगा. अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है. ठीक है, तो वैसे आई होप कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा. इन टेंसों की बार बार प्रैक्टिस करिएगा. अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछिएगा. वैसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बता देना कि सर आप थोड़ा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करो. वैसे मेरी तरफ से तो क्लियर है, फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, सर यहाँ इस तरीके से आपको करना है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा. लेकिन इस टेंस की प्रैक्टिस बार बार करिएगा. ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ गुड बाय.